सो दिस इज सी एस आनित्य सराफ एंड टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड वेल्वर। छोटा सा टॉपिक है रजिस्टर्ड वेल्वर सेक्शन 247 के अंदर। तो रजिस्टर्ड वेल्वर कौन होता है कि भाई जब भी कभी कोई प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होना है, स्टॉक का वैल्यूएशन होना है, डिबेंचर्स का होना है, सिक्योरिटीज़ का होना है, एसेट्स का होना है, गुडविल का होना है, लाइबिलिटीज़ का होना है, नेटवर्थ का होना है, तो ये सारा वैल्यूएशन कौन करेगा? एक क्वालिफाइड व्यक्ति करेगा जिसको रजिस्टर्ड वैल्यूअर कहा जाता है। ठीक है, अब इस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ऑडिट कमेटी करेगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनका अपॉइंटमेंट करेंगी। अब ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, इसके तीन मेन ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहले ही शुड मेक ए फेयर इम्पार्शियल एंड फिट थ्रू वैल्यूएशन, जिसको हम कहते हैं कि वो बंदे को फिट रहना चाहिए। मतलब ही शुड मेक ए फेयर इम्पार्शियल एंड थ्रू वैल्यूएशन, उस बंदे को ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करना चाहिए और वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से ही वैल्यूएशन करना चाहिए। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो सेक्शन 247 के अंदर दी हुई है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर को किसी भी वैसे एसेट का वैल्यूएशन नहीं करना चाहिए जिसमें उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज की तारीख में इंटरेस्ट है, या पिछले तीन सालों में इंटरेस्ट था, या फिर आने वाले तीन सालों में इंटरेस्ट डेवलप भी नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट अंडरटेक वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट जिसमें उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है, ना आज के टाइम में, ना 3 ईयर्स प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट, ना 3 ईयर्स आफ्टर द अपॉइंटमेंट। अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर रूल्स को कॉन्ट्रावीन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट में बैठा है। मिनिमम 25,000 रुपये, मैक्सिमम 1,00,000 रुपये। और अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने कॉन्ट्रावेंशन जानबूझ के किया है, कंपनी या मेंबर्स को धोखा देने के इरादे से किया है, तो भैया 1 साल तक की जेल भी होने वाली है और फाइन भी लगने वाला है। 1 साल तक की जेल भी होने वाली है और फाइन भी लगने वाला है। मिनिमम 1,00,000 रुपये, मैक्सिमम 5,00,000 रुपये। और साथ ही साथ जो भी रेमुनरेशन मिला था वो सारा का सारा रिफंड करना पड़ेगा और कंपेंसेट करना पड़ेगा फॉर द लॉस और डैमेजेस। तो ये जो पार्ट हमने डिस्कस किया है ये सेक्शन 247 के अंदर है। वैल्यूएशन रूल्स का पार्ट अभी अपने को डिस्कस करना है। वैल्यूएशन रूल डिस्कस करने से पहले ये क्लियर कर लेना कि भाई जब आप एग्जाम देते हैं तो वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देते हैं, और जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं आप अथॉरिटी के पास अप्लाई करते हैं। और प्रैक्टिकली जो हमारा ICAI है, ICSI है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ये सब वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और ये अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। अब सिंप्लिसिटी के लिए वैल्यूएशन रूल्स को दो पार्ट में ब्रेकअप कर दिया है। 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहते हो, 5 चीज़ आपको पूरी करनी है, और 5 डिस्क्वालिफिकेशंस है जिनसे आपको बचना है अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहते हो। और एक और चीज़ याद रख लेना कि आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल भी बन सकते हो, पार्टनरशिप फर्म भी बन सकते हो, कंपनी भी बन सकते हो, राइट? तो 5 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी ए वैल्यूअर मेंबर ऑफ ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल ICAI। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जाम्स पास करने के बाद। यू शुड बी ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हम तो इनकम टैक्स में भी देखते हैं, फेमा में भी देखते हैं, बट यहां पे PRI कौन सा वाला होगा? फेमा वाला होगा। उसके बाद यू शुड बी ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन, मतलब आपकी इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए, रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, करेक्टर अच्छा होना चाहिए, आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए, आप फाइनेंशियली सॉल्वेंट होने चाहिए। और साथ ही साथ एक बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी होती है कि या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले रखा है या डिप्लोमा ले रखा है, और साथ में आपके पास 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। एदर यू शुड हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा प्लस 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट से नीचे होता है बैचलर डिग्री, तो यू शुड हैव दैट बैचलर डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा प्लस 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। या फिर अगर आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के मेंबर हो, मतलब ICAI के मेंबर हो, तो साथ में आपको चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस आपके पास बैचलर डिग्री डिप्लोमा है तब भी चल जाएगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है तब भी चल जाएगा। तो 5 चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। यू शुड बी एवैल्यूएशन मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, 3 साल का एक्सपीरियंस, PRI, फिट एंड प्रॉपर पर्सन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा प्लस 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री डिप्लोमा प्लस 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट प्लस 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लस एनी ऑफ द अबव 2। डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर भी 5 हैं। आप माइनर नहीं होने चाहिए, आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, आप अनडिस्चार्ज्ड, बैंक्रप्ट या फिर इनसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, आपको कोर्ट ने कन्विक्ट ना कर रखा हो। आपको याद है सेक्शन 164 में भी ये सारे के सारे डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज्ड, इनसॉल्वेंट। फिर 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर जो एक पॉइंट था वो सेम टू सेम यहां भी है कि कोर्ट ने अगर कन्विक्ट करा है और अगर आपको 6 महीने से ज्यादा की जेल हो गई है, आप 5 साल तक डिस्क्वालिफाइड हो टू बी ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और अगर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट करा है और आपको 7 साल से ज्यादा की जेल हो गई है, तो आप 5 साल के लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड हो टू बी ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर।
और फाइनली अगर आपके ऊपर पेनल्टी लिवाई किया गया है अंडर सेक्शन 271J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और आपने उसके खिलाफ अपील नहीं करा है, तब भी आप 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 5 पॉइंट है, माइनर नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, कोर्ट ने कन्विक्ट किया 6 महीने से ज्यादा कन्विक्ट किया 5 साल के लिए गए, 7 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट किया लाइफ टाइम के लिए गए, और पेनल्टी लिवाई किया अंडर सेक्शन 271J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, आपने अपील नहीं किया, तब भी आप 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो। ये तो था नॉर्मली। अब पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के लिए कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस हैं कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म सेट कर रहे हो, अगर आप एक कंपनी सेट कर रहे हो, तब कब कब आप वैल्यूएशन सर्विस नहीं दे सकते हो। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आप आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कोई भी ऐसी बात लिख रहे हो दैट इज अदर देन वैल्यूएशन, तब आप एज ए वैल्यूअर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टनरशिप फर्म या कंपनी जो सेट होगा उसका काम सिर्फ वैल्यूएशन ही होना चाहिए और वो एक सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट नहीं होना चाहिए, अलग से कंपनी बने और सिर्फ वैल्यूएशन के इरादे से बने, राइट। उसके बाद यू शुड नॉट बी अंडर गोइंग ए इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन या फिर अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, और जो भी आप कंपनी बना रहे हो उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स वैल्यूअर्स होने चाहिए, और अगर आप फर्म बना रहे हो तो कम से कम 3 पार्टनर्स वहाँ पे क्या होने चाहिए, वैल्यूअर्स होने चाहिए, और अगर मान लीजिए कंपनी में टोटली 2 डायरेक्टर्स हैं तो 2 डायरेक्टर्स, अगर फर्म में टोटली 2 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर्स, और जिस भी वैल्यूएशन का काम आप एक्सेप्ट कर रहे हो आपके पार्टनर ने या फिर कंपनी के डायरेक्टर ने, किसी एक पार्टनर ने या डायरेक्टर ने सिमिलर एसेट क्लास का वैल्यूएशन कर रखा है। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप इंडिविजुअल हो आप फॉर्म ए भरोगे और 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल फी पे करोगे, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी हो आप फॉर्म बी भरोगे और 10,000 रुपये का नॉन रिफंडेबल फी जमा करोगे। ये एप्लीकेशन अथॉरिटी को दोगे आप, बिकॉज एग्जाम वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिया जाता है, एप्लीकेशन अथॉरिटी को दिया जाता है, फिर अथॉरिटी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा और डिसाइड करेगा कि आपको सर्टिफिकेट देना है कि नहीं देना है। अगर अथॉरिटी को आपके एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसीज दिखाई देती है वो 21 डेज का टाइम दे सकती है आपको टू रिमूव द डेफिशिएंसीज, और अगर अथॉरिटी को आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मंगवाना है तो अथॉरिटी आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी 21 डेज के अंदर मंगा सकती है। फिर फाइनली अथॉरिटी के 2 फैसले हो सकते हैं, या तो अथॉरिटी डिसाइड करेगी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना है या तो नहीं देना है। अगर देना है तो 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के अंदर वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम जो उसने आपको दिया था टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। और अगर अथॉरिटी को लगता है कि आपको लाइसेंस नहीं देना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, तो 45 दिन के अंदर आपको रीजन बता देगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम गिवन टू सबमिट द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें क्या करनी है सर, आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर के चैप्टर में याद रखनी है, और एक 4 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है एग्जाम के अंदर, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या हो सकता है सर, बन सकता है, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको लगता है कि पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल है, तो भाई इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़। ऑल द वेरी बेस्ट।